सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े से कामयाब हो जाओ वे खैरात में मिलेंगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। दुनिया में विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं खुला है। संसाधन की कमी नहीं, कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ज्यादातर लोग विफल होते हैं। आज का पंचांग 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 10:19 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र दोपहर 3:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:23 से 10:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:04 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। धनुराशि 6 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, अपने जीवन में नकारात्मकता लाने वाले लोगों से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिसे आप अपना दोस्त समझते थे वही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। आप ऐसे लोगों से सावधान रहें और बचकर रहें, उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह बिल्कुल न दें। कोई नजदीकी दोस्त आपका साथ देगा, यह दोस्त आपका जीवन साथी या माता पिता भी हो सकता है। परिवार और व्यक्तिगत गतिविधियों से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जब हम वर्तमान सुझाव को ध्यान में रखते हैं तो हमें संपर्कों के साथ और अधिक मजबूत रिश्ते बनाने की जरूरत होती है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से हमारी पहचान और सम्मान बढ़ सकती है। समय को सही ढंग से नहीं इस्तेमाल करने से हानि हो सकती है। पुराने मुद्दों में फंसना ठीक नहीं है। नए लोगों से मिलना अच्छा है लेकिन उनकी संख्या को बढ़ाना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी न समझें। करियर से जुड़े निर्णय सही होंगे लेकिन आपको काम से संबंधित पूरी जानकारी हासिल करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक लेन देन से पार्टनर के साथ बचाव करें। शांति और नकारात्मकता से आप कठिन कामों पर गहराई से विचार कर पाएंगे। आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने से आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। मित्रों के साथ विवाद होने की संभावना है इसीलिए सतर्क रहें। करियर संबंधित निर्णयों में बदलाव करने से तनाव कम होगा। अपनी गलतियों को समझें और सुधारें। पार्टनर और रिलेशनशिप संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। लो बीपी और शुगर के कारण सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। सावधानियां, अगर आप किसी से लेन देन कर रही हैं तो जल्दबाजी और लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। घर के किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर अपने मन में गलत छवि ना बनाए। युवा वर्ग को अपने करियर पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें। अपने पार्टनर पर ज्यादा ध्यान दें। विनम्रता से पेश आना होगा परिवार के साथ ताकि कुछ हद तक संतुलन बनी रहे। आज के दिन आपके परिवार के भी संतुलित आज के दिन आप अपने परिवार के बीच संतुलन रखें। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना भी पड़ा है क्योंकि ये समय की जरूरत भी है लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएगी। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनना पड़े। बात करते हैं करियर की। अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल भी मिल सकता है। प्रस्ताव आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपका दिन ऑफिस में सुखमय गुजर सकता है। आज आप पैसे संबंधित योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह जरूर लें। बात करते हैं सेहत की। आज पेट की तकलीफ भी हो सकती है। कईयों को इससे गंभीर तकलीफ भी हो सकती है। तले भुने खाने, जंक फूड और मीठे खाने से दूर ही रहें तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर सही सावधानी नहीं रखी तो लंबे समय से बीमार हो सकती हैं।
परेशान व्यक्तियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यायाम हल्का करें या आराम करें, दोनों आपके लिए अच्छा है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काली उड़द की दाल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।